सत चैतन्य। सेवा के बगैर सामाजिक काम चलते नहीं हैं। कोई भी सामाजिक काम है, परिवार के तो चल जाते हैं, समाज के काम बगैर सेवा के नहीं चलते। उसमें शरीर की सेवा भी करनी होती है और पैसे की सेवा भी करनी होती है, मन की भी सेवा करनी होती है और ज्ञान की भी सेवा करनी होती है। ज्ञान की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ये तो तभी कर सकोगे जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। उससे पहले प्रेरणा कर सकते हो ज्ञान के लिए कि ठीक जगह जहाँ ज्ञान मिलता हो उसके लिए तुम पड़ोसी को, घर को, बाहर को, किसी को भी जगा सकते हो कि वहाँ ज्ञान मिलता है, वहाँ जाकर के आप भी बैठ सकते हो। ये भी आपकी सेवा हो जाएगी। ज्ञान के लिए प्रेरित करना, ज्ञान के लिए एक दूसरे को जगाना, जो सत्संग में नहीं जाता उसको भी बताना कि वहाँ इस तरह से शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिल जाए तो सुख मिल जाता है, तो सही आनंद, आत्मा की शांति तो ज्ञान के बाद होती है। शांति ही परम धन है, इससे बड़ा धन कोई नहीं। तो शांति के लिए जगाना, प्रेरित करना, ये भी एक सेवा है। मैंने देखा है कि जहाँ बड़े बड़े सत्संग चले हुए हैं वो वैसे ही नहीं चले हुए हैं, उनके पीछे सेवा खड़ी है। थोड़ी थोड़ी करके सेवा करती है संगत तो वो आश्रम चल पड़ते हैं, वहाँ प्रबंध हो जाता है, सब हो जाता है। अपने पैसे को, धैले को सेवा में लगा करके सुखमय और ज्ञानमय बदल सकते हो। कहते हैं कि पैसे से सुख नहीं मिलता, पैसे से सुख भी मिलता अगर ठीक जगह लगाया जाए, समाज में लगाया जाए, समाज के कार्यों में लगाया जाए, सेवा में लगाया जाए, तो उसका भी जो है मिलन होता है। पैसे से पैसे को आप सुख में बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम पैसे से खाने पीने की, पहनने की चीज़ें लाओगे। जो पैसे से आप सुख भी ले सकते हो उसको सुख में ही बदल सकते हो। जैसे पैसे से तुमने ये सुविधा कर ली, तुम बैठे हो, तुमको सुख मिल रहा है, ये सेवा के बदले में, पैसे के बदले में तो मिल रहा है। तो जैसे तैसे तुमने अपनी आत्मा को अगर सेवा में लगाना है, समाज में प्रेम में लगाना है, तो बिना स्वार्थ की सेवा कर लिया करो कि समाज को सुख मिले, सबको सुख मिले। इस इरादे से तुम अपना जो है सेवा भाव बनाए रखा करो, ये बात ठीक है। कई लोग कहते हैं कि हम सेवा नहीं लेते। कई आश्रम ऐसे हैं जो ढंडोरा पीटते हैं कि हम सेवा नहीं लेते, लेकिन ये झूठ है। जहाँ हजार, दो हजार, 50,000 आदमी जाते हों, वहाँ सेवा के बगैर कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता ना। लेकिन वहाँ काम चलते हैं, धड़ाधड़ काम चलते हैं, इसका मतलब वहाँ सेवा लेते हैं। माना कि 50 किले हमारे खेत के हैं, बड़ा आश्रम है, मैं उसमें संगत को बुला लेता हूँ कि काम करो, सेवा करो, गेहूँ काटना है कि एक उपास चुगनी है कि और कुछ करना है, उसको जाकर के संगत कर देगी। अब संगत ने वो सेवा कर दी, गेहूँ काटती है, फसल काट दी, कोई और काम हो वो कर दिया, लेकिन संगत ने पैसा नहीं दिया कोई, सेवा कर दी शरीर की। क्या शरीर की सेवा पैसे की सेवा नहीं है?
अगर तुम ना जाओ वहाँ सेवा करने के लिए मजदूर बुलाने पड़ेंगे, पैसे लगेंगे। तो शरीर की सेवा को भी खाली शरीर की सेवा ना समझो, वह भी एक तरह से पैसे की सेवा है, धन की सेवा है। और धन की सेवा भी मन की सेवा है, क्योंकि मन में सही विचार नहीं होंगे तो शरीर की सेवा भी नहीं कर सकते, अच्छे विचार भी नहीं रख सकते, ध्यान भजन भी नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं वहाँ तो काम ठीक हो जाते हैं, जहाँ नहीं करते वहाँ नहीं हो सकते। एक भाई था, उसने सत्संग शुरू किया तो उसने प्रण कर लिया कि मैं सेवा नहीं लूँगा। मैं उसे मेरे पास वो मिला तो मैंने कहा कि भाई सेवा तो लेनी पड़ेगी, अगर सत्संग शुरू करते हो, समाज इकट्ठा करते हो, घर से उसको कैसे खिलाओगे। पड़ेगी समाज के लिए लेनी पड़ेगी, खुद के लिए नहीं। कि इतना है कि तुम किसी की सेवा लो तो उसे ऐश ना उड़ाओ, जैसे तुम मेरे को सेवा दो, अगर मैं ऐश उड़ाऊं तो वो गलत हो जाएगा। सेवा ले लो, इधर से उधर करने के लिए ले लो। मैं तो कई बार कह देता हूँ, सेवा तो हम भी लेते हैं भाई, सभी लेते हैं, सबने लेनी पड़ेगी। कि हम तो ऐसे हैं जैसे मंडियों में पल्लेदार नहीं होते हैं, मंडियों में पल्लेदार वो गेहूँ की बोरी ढोते हैं इधर से इधर, इधर से इधर। उनको क्या मिलता है? जो ढोते हैं वो तो मिलता नहीं उनको, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पिंडी मजबूत हो जाती है, उनका शरीर मजबूत हो जाता है। तो मैं तो इतना ही हूँ कि जैसे पल्लेदार होते हैं इधर से इधर ढोता है, इधर से इधर ढोता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। कि ठीक है समाज में कार्य है, और समाज में जो कार्य करता हूँ खान पान तो होगा ही, रहन सहन भी होगा, वो तो होगा ही। लेकिन अगर मैं तुम्हारी सेवा से ऐश उड़ाऊँ, मजे लूँ, आनंद लूँ, वो गलत हो जाएगा। तो सेवा तो लेनी चाहिए, लेकिन वो समाज में ही लगा देनी चाहिए, जितनी आप जरूरत पड़े उसको बरत लो। अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम किसी की सेवा नहीं लेते, सेवा सभी लेते हैं, किसी न किसी प्रकार से सभी लेते हैं। यहाँ जो व्यास आश्रम है राधा स्वामी का, वहाँ के गुरु थे सामन सिंह, वो कहते थे कि मैं संगत की सेवा नहीं लेता, मैं संगत का आज तक एक तिल भी नहीं खाया है, अपनी नौकरी से खाता हूँ, अपने काम धंधे से खाता हूँ, मैं संगत का नहीं खाता। अगर संगत और गुरु के बीच में इतना अंतर है कि मैं आपका कुछ ना ले सकूँ, मैं आपको कुछ ना दे सकूँ, आप कोई फल लाए हो या कुछ लाए हो उसको ना खा सकूँ, ना ले सकूँ, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी क्या? गुरु चेले का इतना संबंध होना चाहिए, जो चेला देता है उसको बिना झिझक ले लो, प्रेम से ले लो और प्रेम से दे दो, ये प्रेम की बात है। लेकिन वो कहते हैं कि हमने संगत के जो है एक तिल भी नहीं खाया, अपने धन संपत्ति का इतना अहंकार कि हमने संगत के जो है कुछ नहीं खाया, हमने केवल अपनी कमाई खाई है। जो धन को अपनी कमाई कहेगा, जो अपना ही बताएगा, उसको तो परमात्मा का कहाँ हो गया, अपनी होगी ठोक बजा कह दे कि ये मेरा है, ये ठीक नहीं है। तो उस मेर को हटा करके प्रेम प्यार से हमने जो है एक दूसरे को ले देना चाहिए, ले भी लेना चाहिए, दे भी देना चाहिए। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि देना ही देना, लेना नहीं। प्रेम में दोनों ही साइड है, प्रेम में दोनों ही आते हैं। कोई प्रेम से कुछ लाता है तो प्रेम से ले लो, बिना हिचक के, शर्म ना मानो लेने में, प्रेम से ले लो ताकि वो खुश हो जाए, समझो ना। अगर तुमने लेना पड़ जाए वो भी ऐसे ही ले लो ताकि दूसरा खुश हो जाए, कम से कम दूसरे ही खुशी के लिए तो ले लो, अकड़ के क्यों खड़े होते हो। यहाँ आंटा की बात है, मैं गया हुआ था तो महाराज जी ने कह दिया कि अपने 10-9 की कमाई खानी चाहिए, यानी कि ईमानदारी की। जो ईमानदारी की खाएगा उसका फलेगा फूलेगा, कोई सेवा करेगा तो उसको 17 गुना ज्यादा मिलेगा। ये एक तरफ से तो वो कह रहे हैं कि अपनी ईमानदारी की खानी चाहिए, किसी का लेना नहीं चाहिए, खुद प्रेरित करते हैं कि सेवा देनी चाहिए, उसका अनंत गुणा हो जाएगा, ज्यादा होकर मिलेगा आपको।
तो इस बात को एक भाई सुन रहा था, यहाँ गगाने का लेना लेना, तो नहीं गुजर गया। बड़ा अच्छा साधारण सीधा पादरा भगत था वो। तो उसने ये बात सुन ली कि जो है अपनी दस नौवा की कमाई खानी चाहिए। तो उसने सुन ली तो उसने विचार किया कि यहाँ जो रोटी पानी हम खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, इसमें मन ने तो कुछ भी नहीं कमा के दे रखा। मैं तो दूसरों की कमाई कैसे खाऊं? महाराज जी कह रहे हैं कि दूसरों के नवों की कमाई नहीं खानी चाहिए, अपने हाथ की कमाई, अपने ईमानदारी की कमाई खानी चाहिए। तो उसने ये बात सुन ली तो वो बैठा रहा, भूखा मर गया कि रोटी तो नहीं खाऊं, ये मेरी दस नवों की कमाई तो नहीं है, ये तो होगी। तो ईमानदारी का जो ना, ईमानदारी का मतलब ये है किसी का शोषण ना करो, किसी का शोषण करो दे बेईमानी हो जाएगी। तुम सेवा दे रहे, भंडारा चल रहा, प्रेम से खाओ, इसमें क्या हमारा क्या किसी का है, वो तो प्रेम का भंडारा है। तो उसने क्या किया कि बाहर जाके दुकान से आधी किलो जलेबी ले ली। इस अक्कड़ में कि मैं अपने पैसे लगाऊंगा, अपने पैसे के खाऊंगा, मैं और पैसे के नहीं खाऊंगा। और वो 50-60 रुपये उसके अपने हो गए। परमात्मा का न तो वो है, न वो पैसे है, न कर्म है, ना कुछ है। ये भक्ति मानता, लेकिन ये भक्ति नहीं होती, ये संकुचित होता है, ये मामला बहुत सीमित भाव होता है। ये उसने ये जो आधी किलो जलेबी ले ले रही, वो खाने लग गया। खाने लग गया तो एक कुत्ती आ गई, वो बैठ गई सामने। उसने क्या करा, वो सारी जलेबी उसका आगे दर्दी दर्दी। क्यों? इसलिए दर्दी के मेरे को पुण्य होगा, वो जलेबी इसलिए दर्दी के मेरे को पुण्य होगा, इसलिए नहीं दरेगी, उसका कुत्ती का पेट भर जाएगा। एक तो बात ये कि मेरे को पुण्य होगा, एक बात ये कि कुतिया का पेट भर जाएगा। इन मंत्र नहीं होगा क्या? कुतिया का पेट भर जाएगा, ये तो है प्रेम। और जो मेरा अपना पुण्य मिलेगा मन जलेबी खुआने तो कुतिया ने, ये जो है ये है स्वार्थ, ये है व्यापार। कुतिया के जरिए से तुम अपना भला चाह रहे हो, 50 रुपए में एक जलेबी धर रहे हो और स्वर्ग का लोभ कर रहे कि स्वर्ग मिलेगा। ये बातें नहीं होती सेवा में। सेवा खाली सेवा होती है, जैसे माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है। वो क्यों पिलाती है, वो बताओ क्यों पिलाती है? क्या अपने लिए पिलाती है? इसलिए पत्ते के बच्चा पड़ जाए, बड़ा हो जाए, उसका पेट भर जाए। तो माँ जैसा भाव होना चाहिए सेवादार में कि अपने बच्चे को जैसे माँ पालती है, ऐसे जो सेवा का भाव होना चाहिए उसके अंदर ये स्वार्थ को ना निकाल दिया करो। तो अगर स्वार्थ रखोगे तो तुम्हारी संगत पैसे से, धैले से, तुम्हारे काम से गलत हो जाएगी। संगत अपनी ठीक कर लो, लगाओ अपना ठीक कर लो। मैं वहाँ ब्यास गया था 3-4 महीने, सर्दी का काम था, वहाँ मैं रहा। हमें एक जो है छोटा सा जो कमरा दे दिया गया, उसमें हम दो लोगों को सेट कर दिया उन्होंने। तो दो लोगों को सेट कर दिया, हम उसमें रहने लग गए और हमको सेवा भी दे दी गई। सेवा क्या थी कि सुबह उठने हैं 3-4 बजे, सर्दी ज़्यादा ही पड़ती है वहाँ पर, मूली पाड़ दी है, मूली पाड़ के धोनी है, धोकर रक्षा में दुकान पर रखानी है, फिर अपना ध्यान भजन कर लो, ध्यान भजन करके अपना खाना खुना खा लो। यह ड्यूटी हमें दी थी वह। तो 4 महीने तक हम उठे सुबह सुबह, हाथ रख जाए चाहे कुछ भी हो जाए, भाई सेवा है, सेवा ही करनी है। मूली माली पाड़ते, सलगम वगैरह पाड़ते, जो ठंडे पानी में धोते, हाथ पता नहीं चले कहाँ गए इतनी ठंड में, तो उसको रिक्शा में लेकर हम रिक्शा में उसको डाल के आते दुकान पर। ये सेवा थी हमारी, लेकिन हमारी इसके अंदर डिमांड कोई नहीं थी, खाली सेवा और कुछ नहीं। हमने वहाँ एक पैसा भी नहीं डाला उनके उसमें जो है सेवादान में, एक पैसा नहीं डाला, लेकिन हमने शरीर की सेवा कर दी। अगर शरीर की सेवा ये क्या है, ये पैसे की तो सेवा है। अगर वो मूली ढुआने के लिए मजदूर लगाते तो पैसे नहीं देने पड़ते, पैसे देने पड़ते तो हम शरीर की सेवा करते थे, पैसे के नहीं करते थे, फिर भी वो पैसे की हो जाती थी, लेकिन हम बगैर डिमांड के करते थे कि बस सेवा करना है, दुकानदारों की सहायता हो जाए, यहाँ संगत आती है उनको सुविधा हो जाए, बस इसलिए हम सेवा कर देते थे। तो एक दिन वहाँ से हमको बुला लिया जो वहाँ का सेक्रेटरी था,
बुला के कहने लगा कि तुम्हारे पैसे बनते हैं। वहाँ जो सेवादार रहते थे उनको जेब खर्चा दिया करते, वो महीने में 40-40 रुपये, तो 40-40 रुपये दिया करते। वो जो सेक्रेटरी था उसने मेरे को बुलाया, कहने लगा आपके 40 रुपये हो गए। मैंने कहा मैं तो नहीं लेता, ये जो पहले ही जहाँ वहाँ ठीक है, सबके बर्तने में आ जाए, मैं क्या करूँगा, मेरा काम चल रहा है। कहने लगा तो उदाहरण देता हूँ मैं कि इस तरह से अगर सेवा भाव आपके अंदर जागृत हो गया तो आपकी आत्मा भी प्रकट होगी, आपको भीतर का आनंद भी मिलेगा, आपके अंदर टिकाऊपन भी आओगा, आपको वो धन मिल जाएगा जो बाहर कहीं नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार जो मेरे पास तो दूसरा रहता था लड़का, वो सुमरण इतना करता था कि हर टाइम सुमरण करता था नाम का, और नाम का सुमरण करता था। वो कहता था मेरे को पता नहीं कई बार चलता कि मैं हूं कि नहीं हूं, समझे ने। वो कहता था कि मेरे को पता नहीं चलता कि मैं हूं कि नहीं हूं, इतना हल्का फुल्का हो जाते से हवा होती है। कहने लगा भाई ठीक है, तेरा तो ये बढ़िया है, सुमरण सुमरण में तेरा ध्यान बन गया, उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं थी, सुमरण को ही ध्यान बना लिया था। इतनी लगन से, इतनी चेष्टा से, इतने लगाव से सुमरण करता था कि वो सुमरण जो नाम का जप था वो ही ध्यान बन गया उसका, और इस तरह से खाली होगा जैसे ध्यान करने वाले खाली हो जाते हैं, समझते हो ना इस बात ने। तो सुमरण को तुम इस तरह से करो जैसे तुम लोट गिनते हो। आपने किसी को 1000 रुपये देने हो तो कितनी चेष्टा से गिनते हो, एक एक नोट को गिनते हो कि एक एक नोट से तुम्हारा ख्याल नहीं भटकता, 1, 2, 3 पूरा ध्यान रहता है 1, 2, 3 पर। दोबारा भी गिन लेते हो कि गलत तो ना गिने गए, जैसे एक एक लोट को गिनते हो वैसे नाम को भी गिन लो, तुम्हारा सत्संग बन जाएगा कि लोट के जाने से तो नुकसान हो जाएगा, तुम सोचते हो नाम के जाने से नुकसान नहीं होगा, वो तो और भी गहरा नुकसान है। बीच बीच में तुम भूल जाते हो इसको, जो सुमरण को नाम को, तो वो तो फिर ठीक नाम जो नहीं होगा तुम्हारा सुमरण नहीं होगा। तो कहता था मेरा सर नहीं है, मेरा नाक नाड़ी नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है, मेरा मन नहीं है, समझते हो कि ना। तो इस प्रकार से इतना सुमरण में उसका लीन हो रहा था कि हवा जैसा हो गया वो आदमी। तो एक दिन मैं और वो आ रहे थे, शाम की बात है, लंगर चख के अंधेरा हो गया था, और सड़क पर एक बटुआ पड़ा था, बटुआ रुपया का भरा था कि ना भरा था हमने नहीं पता, लेकिन बटुआ पड़ा था एक चमकदार बड़ा बढ़िया। मैं आ रहा था, वो मेरे साथ था, मैंने कहा अरे बटुआ पड़ा उठा लेना, मैंने तो नहीं उठाया, मेरे तो मन में नहीं आया उठाने की। मैंने कहा कि उठा लेने भाई बटुआ पड़ा है, कि मैं क्यों उठा लूं, कि मैं किसी को दे दिए, गरीब को देख करके कि गरीब है फलाना है, उसको दे दिए कुछ होगा तो इसमें। उसने उस बटुए का ठोकर उन मार दिए दूर पड़ा जा करके, समझते हो ना। ये बातें बताता हूँ मैं कि लगाओ तुम्हारा कैसा और कैसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ठोकर क्यों मार दी, किसी को दे देता, मतलब उसकी किस्मत में हो गई तो आप उठा लेगा, मैं क्यों बीच में दलाल बनूं, समझे इस बात में। वो ये भी सोच सकता था कि मैं किसी को उठा कर दे दूं, वो मेरी प्रशंसा करेगा, मैं मान सम्मान मिलेगा कि बड़ा त्यागी है इसने मेरे को दे दिए, ये भाव उसके अंदर नहीं आया, उसको एक तरफ फेंक दिया। लेकिन जो ये ठोकर मारना ये भी गलत था, समझे ना। नहीं उठाता कोई बात नहीं, इससे जो ये माया है इससे संबंध गलत हो जाता है, समझते ना। इस तरह से तुम माया के साथ धन दौलत के साथ गलत व्यवहार करोगे वो भी ठीक नहीं है, अगर उसे चिपक कर बैठ जाएंगे वो भी ठीक नहीं है, समझते हो ना। उसको तो इस तरह से रखो जैसे अपना, न तो वो तुम्हारे साथ में जैसे तुम्हारे साथ में भी है। ऐसे व्यवहार ना करो कि भाई तुम पैसे मिल गए तो फाड़ दो, के पैसे मिल गए तो शराब पी लो, के पैसे मिल गए तो सट्टे में लगा दो, के कुछ कर दो, ये तुम्हारा व्यवहार गलत हो जाएगा, तुम्हारी संगत जो है रुपये धेले से बिगड़ जाएगी, तुमने संगत का ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे हम कहाँ आ गए, सेवा का लेकर के भीतर की बातचीत थोड़ी सी कर करके उदाहरण का दा दे करके कहाँ आ गए हम संगत पर आ गए अब, समझते हो ना। सेवा से संगत बढ़ती है,
संगत का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा आदमी हो जाते हैं, ये अर्थ मत लेना संगत का। संगत का मतलब है कि आदमी ज्यादा हो जाए तो ज्यादा के साथ संगत हो जाए। संगत का मतलब है जैसे एक आदमी है तो तुम्हारी एक आदमी से संगत है। संगत का मतलब ये है, संगत का मतलब आदमी नहीं, आदमी की गिनती है कि ज्यादा संगत होगी, ये नहीं है। संगत का अर्थ है आदमी से आदमियों से मेल जोड़ संगत, समझते ना। एक तो तुम पांच आदमियों को बैठा करके जो है प्रसाद बांटते हो, एक तुम हजार आदमियों को बैठा के प्रसाद बांटते हो, तो हजार आदमियों के साथ संगत बढ़ गई ना। पहले तो पांच दस आदमी के साथ संगत थी और फिर तुम्हारी संगत पचास साठों के हो गई। तो इससे तुम्हारा जो विस्तार हो जाता है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे जो ये कर्म, ये सेवा में बदलता जाता है, तुम्हारा और समय लग जाता है सेवा में, समझते हो। सेवा से संगत भी बढ़ती है इस प्रकार से। तो ये संगत का तो एक एक रूप है। दूसरा रूप ये भी है कि जैसे आदमी के साथ संगत, संगत कुसंगत और सुसंगत। संगत दो टाइप की होती है, संगत यानी मेल जोड़, खास मेल जोड़, ऐसा मेल जोड़ जो आदत बन जाए कि मेल जोड़ बिना रहा ना जाए, जैसे किसी आदमी के पास जाए बिना रहा ना जाए, जाना ही पड़े, भीतर से खिंचाव इतना हो जाए कि उसके पास जाना ही पड़े। ये जो मेल जोड़ की जो ये संगत की एक आदत बन जाती है, खास आदत, इसको हम संगत बोलते हैं कि उसके बगैर रहा ना जाए, उसके मेल जोड़ से बगैर। तो ये दो प्रकार की होती है, दो ढाल की, कि एक तो कुसंगत और एक संगत सुसंगत। सुसंगत वो होती है जो मतलब अच्छे आदमी से संगत की जाए, कुसंगत वो होती है जो बुरे आदमी से संगत किया जाए। तुमने पता होगा कि आदमी की पहचान संगत से होती है। किसी आदमी को पहचानना हो तुमने, ज्यादा विचार दौड़ाने की जरूरत नहीं है, तुमने इतना देख लो कि वो आदमी किसके पास उठता बैठता है। अगर वो गलत आदमी के पास उठता बैठता है तो समझ लेना ये आदमी गलत है। अगर वो अच्छे आदमी के पास उठता बैठता है, समझ लो ये आदमी अच्छा है। बस संगत से पहचान लो कि आदमी कैसा है। अच्छी संगत में जाने वाले के साथ तुम संगत कर सकते हो, इससे तुम्हारे विचार बदलेंगे, भाव बदलेंगे, तुम्हारा क्रम बदलेगा, तुम्हें फायदा होगा, समझते हो ना। ये ध्यान रखें सत्संगी होने के नाते से, किसी आदमी से व्यक्ति से तुम अगर संगत करते हो तो ध्यान रखो कि वो आदमी तुम्हारे नुकसान की बात ना करता हो, तुम्हें संसार की चिंताओं से ना भरता हो, संसार की टेंशन से ना भरता हो, निंदा चुगली ना करता हो, तुम्हारे घर में दरार ना डालता हो, तुम्हें शराब बीड़ी खाना पीना नहीं सिखाता हो, इस प्रकार की अनेकों कुरूप चीजें हैं जो तुमको सिखाता हो, उसके पास बैठना बंद कर दो, बिल्कुल लोक कर दो, से कुछ भी नुकसान होता हो, समझे ना इस बात ने। उदाहरण के तौर पर दुर्योधन और कर्ण की बात आती है। कर्ण ने दुर्योधन को दोस्त बना लिया, सारी उम्र जो है दुर्योधन उल्टे काम करता रहा और उसकी दोस्ती निभाता रहा। तो कर्ण को आज वो आदर नहीं है जो होना चाहिए था। अगर दुर्योधन अच्छा दोस्त होता तो कुछ और ही बात होती। कोई भी बुरा काम करे दुर्योधन उसके साथ उसका सहारा दे, उसमें उसका सहयोग दे, उसको पूरा करवाए, ये मित्रता नहीं है, ये संगत नहीं है, ये जानते हुए अपना नुकसान करना है। अगर ऐसी तुम दोस्ती कर लेते हो जो दोस्त तुम्हारा नुकसान करता हो, उस दोस्ती को मत निभाओ, उसको तोड़ दो एकदम से। कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती तोड़ देनी चाहिए थी। तो ये ध्यान रखो तुम, नुकसान होता है, सत्संग में आते हो लाभ होता है, कहीं और जाते हो कंपटीशन में जाते हैं, नाच गान होते हैं, वहाँ दूसरी संगत है, वहाँ तुम्हारे ख्याल और तरह के हो जाएंगे, यहाँ तुम्हारे ख्याल और तरह के हो जाएंगे। मैंने देखा है पहले जा जा करके, कई बार हम जाया करते पढ़ते थे, जो फिल्म में बच्चे जाते थे वो बाहर आते थे सिटी मारते हुए आते थे,
समझे ना, सिटी क्यों मारते थे, क्योंकि उन्हें देखा है कि हाल में सिटी लग रही है, मारा पिटी हो रही है, शराब पी जा रही है, अनेकों हड़दंग बड़दंग हो रहा है, तो वैसे ही होकर के निकलते हैं। उनके हाव भाव देखो, उनकी चाल देखो, उनका हंसना देखो, उनका बोलना देखा, तो वैसे ही होकर के निकलते थे जैसा उसमें हाल में, कि अच्छे आदमी के पास बैठो, बुरे से संगत मत रखो, चाहे कितनी गाढ़ी तुम्हारी दोस्ती, उसे दोस्ती निभाने के चक्कर में ना घुसो, तुम अपना कल्याण करने के चक्कर में आ जाओ। दोस्त तुम्हारा कल्याणकारक नहीं है, जो तुम्हारे अंदर उल्टी चीजें जगाता है, उसे तटस्थ हो जाओ, एकदम से नहीं शेष हो जाओ, इस तरह से हो जाओ, उसको पता भी ना चले, ठीक है ना। दूसरा संगत है कि ये जो अपना सत्संग है, इसमें बैठो, इसमें सुनो, इसमें जो बताया जाए वो करो, तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, संगत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि संगत आदमियों से ही होती है, ऐसा नहीं है। संगतम तुम अपने पास आओगे, तुम्हारे पास एक और चीज है, ये शरीर भी है, मन भी है, प्राण भी है, अहंकार भी है, तुम्हारे अंदर है ना ये सारी चीजें, इनसे भी संगत जो खतरनाक है। अगर आदमी अहंकार की संगत करता है, अहंकार की सुनता है, उसके अनुसार चलता है, उसका जो वो कहता है वैसा करता है, मन जो कहता है वैसा करता है, ये मन से संगत है, ये अहंकार से संगत है, जो इच्छाएं करता है आगे से आगे इच्छाएं करता है, उन इच्छाओं का पालन करता है, ये इच्छा से संगत है। तो संगत को ये ना सोचो कि आदमी से ही संगत का प्रश्न है, ये संगत का प्रश्न तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारी अपने साथ संगत तुम्हारी कैसी है। मूल संगत तो ये है कि तुम्हारी तुम्हारे से कैसा मेल है, तुम अपने आप को कैसा रखते हो, तुम अपने आप का कैसा पालन करते हो, तुम अपने आप से कैसा योग करते हो। इसका अपने आप से योग करने का दूसरा नाम आत्म योग है। आत्म योग सुना होगा ना, तुम्हारे रास्ते का नाम ही आत्म योग है। तुम अपने जो आप से तुम्हारा सही संगत हो जाएगी ना, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, दूसरे से गलत संगत नहीं हो सकेगी। अगर तुम्हारी संगत तुम्हारे से ठीक हो गई, तुम्हारे संगत तुम्हारे मन से ठीक हो गई, तुम्हारी संगत तुम्हारी इच्छाओं से ठीक हो गई, तुम्हारी संगत तुम्हारे शरीर से ठीक हो गई, तुम्हारी संगत तुम्हारे बुद्धि से ठीक हो गई, तुम्हारी संगत तुम्हारे अहंकार से ठीक हो गई, तो तुम तो श्रेष्ठ आदमी हो गए। तो ये ध्यान रखो, दूसरे की बात नहीं है, अपने को भी संभाल के देखो कि हमारी संगत हमारे से ही तो गलत नहीं है, हमारा आपा ही गलत तो नहीं है कि हम अपने आपे को ठीक मानते हो, ऐसी बात नहीं है। तुम अपने आप को निरीक्षण परीक्षण करके देखो, ऐसा तो नहीं है तुम्हारा गलत आदमी से योग है, ऐसा तो नहीं है तुम्हारे से तुम्हारा योग, ऐसा तो नहीं है कि गलत आदमी से योग है। गलत आदमी से योग होगा तो वही हाल होगा जो बाहर गलत आदमी से होता है। तो अपने आप से ठीक योग कर लो, अपने से ठीक संगत कर लो। एक बार की बात है कि आदमी एक महात्मा के पास गया, वो कहने लगे महाराज मेरे को शांत स्वरूप चाहिए, शांत स्वरूप। जब तुम शांत होते हो, तुम्हें पता है उस अवस्था का, वो तो तुम नहीं पता होगा, मैं तो क्या बताऊं इसके बारे में, मैं तो शांत स्वरूप होता है, मेरे को पता हो है कि भाई ये ऐसी अवस्था है, ये बड़ी बढ़िया है, इसकी झलक तुम्हारे अंदर आती होगी, तुमको ही पता है कि तुम्हारी शांत मन की हालत कैसी होती है, बढ़िया होती है ना, तुम्हारे शांत मन की हालत बहुत बढ़िया होती है, उसमें बड़ा आनंद आता है। उसे बाहर निकल जाते तो तुम ऐसे तड़पते हो जैसे समुद्र से मछली बाहर रेते में लिकट जाए, इस तरह से तड़पोगे शांत मन से, शांत स्वरूप से निकल गए तो। तो एक आदमी एक महात्मा के पास गया, कहने लगा महाराज मेरे को शांत स्वरूप चाहिए। कहने लगा ठीक है, सुबह आपको शांत स्वरूप दूंगा मैं। कहने लगा एक काम करना होगा बीच में, कि क्या करूं कि जो मेरे पास ये 50 ऊंट हैं, ये ऊंट जब सारे बैठ जाएं तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को जो है शांत स्वरूप दे दूंगा, उसका आभास करवा दूंगा। शांत स्वरूप का बात है कि उसका तजर्बा करवाना था उसने, इसीलिए कह दिया कि ये ऊंट हैं 50, ये सारे बैठ जाएं तो मेरे पास आ जाना। तो क्या किया उसने, ऊंटों को जो रोलता है पुचकारता है उसको बैठा देता, उसको बैठा देता, इतने एक ऊंट लेता,
एक बैठता एक उठ लेता, अरे ऊँट बैठ नहीं सके, किसी को बैठा देता, दूसरा उठ लेता, उसको बैठाता, तीसरा उठ लेता, सारा दिन सारी रात उसकी इस प्रकार से निकल गया। और महाराज जी के पास आया, महाराज सारे ऊँट तो नहीं बैठा सका, तो नहीं बैठा सका तो आराम भी नहीं कर सका होगा। कहेंगे आराम कैसे करूं था, ऊँटों को बैठाता रहा एक और उठता रहा, फिर बैठाता रहा एक और उठता रहा, आराम कैसे करता। तो यही बात समझानी थी कि तेरे अंदर जो इच्छाएं उठती हैं, कामनाएं उठती हैं, ऊँटों जैसी हैं। एक को तो शांत कर देता है, दूसरी उठ लेती है, तीसरी को शांत कर लेता है, चौथी उठ जाती है। ये तुम्हारे अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो ये तुम्हारे अंदर अनेकों ऊँटों की तरह उठती बैठती रहती है। तुम इनको कभी बैठाते रहते हो, कभी सलाते रहते हो, कभी शांत कर देते हो, साइड में एक ऊँट खड़ी होती है। जैसे एक मन की इच्छा पूरी हो गई तो समझे तुम्हारा काम बन गया, लेकिन एक और ऊँट आती है मनमाने उससे भी बड़ा ऊँट हो, समझो उसको बैठा देते, एक और इच्छा उठाती है और भी बड़ा ऊँट। सारी जिंदगी यही रहता है कि ऊँटों को बैठाते रहते और ऊँट खड़े होते रहते, आराम कैसे करोगे। तो इच्छाएं जब तक इस तरह से उठती और बैठती रहेंगी तुमको शांत स्वरूप नहीं मिल सकता। किस तरह से ये ऊँट उठने बैठने बंद हो जाए, ये इच्छाएं कामने आने जाने बंद हो जाए, तुमको बोध हो जाएगा कि असल में तुम्हारा शांत स्वरूप क्या है। तो ये क्यों हो गया ऐसा, तुम इच्छाओं की संगत करते हो। इच्छा आ गई तो तुम पूरी ललक से, पूरे प्रयास से, पूरी कोशिश से बड़ा विचार करते हो इच्छा को पूरा करने का, लेकिन ये इच्छा को पूरा करने का इच्छा से तुम्हारी संगत है। ये संगत मैं भीतर तक ले जा रहा हूँ, बाहर आदमियों के संगत की बात नहीं, अब ये तुम्हारे भीतर की है कि इच्छाओं से भी संगत इतनी खतरनाक है कि इनके साथ लग गए तुमको स्वरूप नहीं मिलेगा, तुमको शांत स्वरूप नहीं मिलेगा, तुम शांत नहीं हो सकते। जब इच्छाओं की लहर शांत हो जाएंगी तो तालाब की तरह से तुम्हारा स्वरूप शांत रह जाएगा, जिसमें कोई लहर नहीं होती है, कोई तरंग नहीं होती है। ऐसा स्वरूप तुम देखते हो कभी कभी के? अगर ऐसा तुमको मिल जाए तो फिर तुम जो संसार के साथ नहीं लग सकते। कसर ये है कि उस स्वरूप का, उस शांत स्वरूप का, मना मन के स्वरूप का तुम्हें बोध ही नहीं हो पाता। अगर बोध हो जाए तो संसार के साथ इतने नहीं चिपकोगे, बार बार उसे जाने की कोशिश करो। एक और बात समझाऊं, एक ऋषि था चुनकट ऋषि, चुनकट ऋषि। वो चुनकट ऋषि क्या करता था, जंगल में रहता था। और जंगल में उसका खान पान क्या था, उसने स्वाद छोड़ रखा था, समझे ना। फल फ्रूट भी जंगल के नहीं खाता था, जो घास फूस होता है हरा भरा उसको ओस पड़ती थी, उस ओस को चाट लेता, एक आधी कच्ची पाकी को पेड़ की फुंगल खा लेता, इस तरह से वो जीवित रहता था। तो इंद्र को घबराहट होगी कि ये महाराज जी तो मेरा आसन छीनेगा। इंद्र को घबराहट बहुत जल्दी होती है, समझते ना, कि ये मेरा सिंहासन छीनेगा, किसी तरह इसका तप भंग कर दो। तो उसने जो है एक अप्सरा भेज दी, एक परी भेज दी कि जाओ उसके तप को भंग करना है, समझे ना, जाओ उसके तप को भंग करना है, कैसे भी करो, नहीं तो जो है मेरा ये स्वर्ग छीना जाएगा, मेरी कुर्सी छीनी जाएगी। तो वो गई अपना दूर से नाच गाना करती, बोलती इस तरह से, अच्छे अच्छे जो रूप धारण करती, और वो ऋषि उस पर ध्यान ना जाओ उसका, उस ऋषि का, चुनकट ऋषि का। वो नाच गान करके चली जाती, इधर उधर से घूम घाम के अपना जो पायल फूल बजा कर चली जाती, उसका उस पर ध्यान ना जावा, अपना आँख बंद कर अपने आनंद में लीन था। तो उसने सोचा ये तो इस तरह से काबू नहीं आवे। उसने क्या किया कि ये जो खाता पीता है उसको देखूं मैं, उस खाते पीने में कुछ मिलावट कर दूं तो हो सकता है ये काबू में आ जाए, इसके प्राणों में दूसरी तरंग पैदा हो जाए। नाचना गाना तो उन्हें दिया छोड़, जो जीव मारा करता ना अरे रे घास पे वो चट्टा करता उड़े, उसने धीमी धीमी मिठाई सी, महकदार मिठाई सी, सुगंध सी उस पर छिड़कना शुरू कर दिया। तो ऋषि गया पलड़े दिन, उसने अच्छी महक आई, एक दो मुंह मारा करता, उस दिन चार पांच मुंह मार गया महात्मा ने कि अरे रे घास पे इतनी सुगंध की जो मिठाइयां छटाइयां छड़क दी, पेट भर का आराम से अपना ध्यान करने लग गया।
तो दो चार पांच दिन ऐसा किया उसने, फिर सहस जरूर स्वाद स्वाद चीजें धरन लाग गई, वो स्वाद स्वाद चीजें धरन लाग गई। लाडू की जगह जैसे जलेबी धर दी के, पेड़ा धर दिया के, पेड़े की जगह और बढ़िया चीज धर दी, वो तो फिर यूं करने लाग गया कि जो अच्छी लागे ना उसने तो खा ले, जो अच्छी ना लागे उन्हें छोड़ दे। ये क्या हो गया, क्या समझा रहा हूं आपको? स्वाद से संगत, समझ गया इस बात ने? स्वाद से संगत, जीव से संगत। ये संगत का ध्यान तुमने अपने भीतर भी रखना है कि संगत का ध्यान, ऐसी बात नहीं कि तुम दूसरे आदमी से ही ध्यान रखो। ये संगत तुम्हारे से भी तुमने ध्यान रखना कि हमारी संगत कहाँ है। भीतर भी तुम्हारे अंदर ऐसे हैं, जैसे बाहर गलत आदमी होते हैं तुम्हें जो भटका देते हैं उनकी संगत से, तो जीव का सारा पालन करोगे तो क्या हो जाएगा? स्वाद पर जाओगे ना, स्वाद स्वाद चीजें खाओगे तो क्या होगा? शरीर में ताकत बढ़ेगी ना, दूसरी दूसरी ऊर्जा पैदा हो जाएगी ना। और उसमें तो मंत्र मार रखे तो उसने कामुक मंत्र उस खाने पीने में, तो उसके अंदर काम जागृत होगा उसके खाने से, उसके स्वाद के कारण। उस स्वाद के कारण उसे जो हुआ अवसर आई थी उसे मेल जोड़ हो गया उसका, स्वाद से संगत के कारण कह रहा हूं मैं। तो स्वाद का भी ध्यान रखा करो, जीव का स्वाद खतरनाक है, बीमारियां इसी से चलती हैं, समझते हो ना? और वाद विवाद भी इसी से होते हैं, पता नहीं क्या बोल दे आदमी के जीव फिसल गई। जीव जब कुछ नहीं फिसलता है तो भीतर का आदमी वो फिसल गया है, भीतर का आदमी फिसला है तो जीव कुछ कह देगी ना, जीव क्या कहेगी? कुछ भी नहीं, भीतर जैसा होता वैसा ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार से विषयों पर भी ध्यान रखो कि ज्यादा विषयों की संगत ना करो, ज्यादा अहंकार की संगत ना करो, ज्यादा इच्छाओं की संगत ना करो, आत्मा की संगत कर लो। इससे उल्टी बात, आत्मा की भी संगत कर लिया करो, वो सबसे गहरा मित्र है तुम्हारा, सबसे गहरा साथी है वो तुम्हारा। इससे बढ़िया साथी जगत में और कुछ नहीं है, सारे साथी रुस जाएंगे लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नहीं रुस सकी। तुम एक बार गलती कर भी देते हो, आत्मा कहते कि ये जो चीज खराब है ये मत कर, और तुम उस बात को कर बैठते हो तो तुम्हारी आत्मा नाराज हो जाती है क्या? मित्र दोस्त आदमी तो नाराज हो जाएगा तुम उसकी ना मानो तो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो भीतर का गुरु है वो कभी नाराज नहीं होता। तुम बुरा करना चाहते हो और वो आत्मा तुम्हें रोकती है, तुम फिर भी बुरा कर लेते हो, उसे तो नाराज हो जाना चाहिए था कि मेरे कहा नहीं मानता। अगर मेरा कहा नहीं मानता इसलिए नाराज हो जाए तो वहाँ अहंकार हो जाएगा, समझा? वहाँ गुरु उठेगा और वहाँ मनाएगा। गुरु में ऐसी बात नहीं होती, तुम सौ गलती करो वो नाराज कभी नहीं होता, तुम्हें चिता सकता है, तुम गुस्से में आ सकता है, लेकिन तुम रास्ते पर रखने के लिए सब कुछ होता है। तो क्या होता है कि तुम्हारे अंदर जो वो भीतर का गुरु हो वो कभी रूठता नहीं है। तुम सौ बार गलती करो सौ बार कहेगा कि मत कर, ये खासियत है उसमें, समझे? तो उसकी संगत रखो आप, वो सही सही बता देता है कि तुम गलत कर रहे हो। वो तुम्हारा ऐसा मित्र नहीं होता है कि तुम गलत करो और वो करने देगा, चाहे तुम कितने भी नाराज हो जाओ वो कहेगा गलत कर रहा है। मित्र का मतलब, दोस्त का मतलब यही है। कोई ऐसा दोस्त हो तो दोस्त कर लिया करो बाहर, अब भीतर का दोस्त तो तुम्हारे पास है ही, समझते ना? भीतर के दोस्त का पालन कर लो, बाहर के दोस्त का पालन कर लो, जो तुम्हारा भलाई बुलाए दोनों अच्छे ही हैं, जो मतलब ठीक ठाक पहचान लो अपने दोस्त को। तुम्हारा जो गलत राय ना देता, गलत रास्ता ना दिखाता, वो संगत कर लिया करो, बाकी संगत छोड़ दिया करो, कोई नहीं, तुम्हारा फायदा ही फायदा है, ठीक है इतना। और भजन कर लिया करो, भजन करने से जो है सब ठीक होता चला जाएगा। डेली जरूर बैठा करो, बैठने का मतलब है तुम कहते हो कि हमारा मन नहीं लगता, मन इसलिए नहीं लगता कि सारा दिन तुम सुमरण नहीं करते, भूल जाते हो और कहीं कहीं जुड़ जाते हो, संसार से जुड़ जाते हो, मोह माया से जुड़ जाते हो, अपने आप को ही भूल जाते हो तो कैसे लगेगा? एक जो है एक बछिया है, सारा दिन वो खुली है, उसका कोई गलामा नहीं गला हुआ है, और उसको अचानक हम खुट्टे से बांध देते हैं, वो कितनी उछल कूद करेगी कि उसको बांध दिया थोड़ी देर तक, वो बंधा नहीं रहना चाहेगी, वो उछल कूद चाहेगी। उसको दिन में कई बार बांध दो ना तो को उछम जाया करो, और अपना ठीक जो अपने जो संगत ढूंढ लो, गलत संगत में जा रहा, सुमरण लगातार किया करो। ध्यान नहीं लगा था तुम यूं करा करो कि अपना जो पांच दस सांस ले लो घरे घरे, तुम बैठते हो सुमरण करते हो, मन कहीं जुड़ जाता है,
तुम ऐसा किया करो कि अपना उस टाइम अपना दो चार सांस गहरे गहरे ले लो या माथे में ही ले लो, जो ये सांस का है ना, ये नाक का और माथे का अंतर है, बस इसी में जो सांस आता जाता है इसी पर ध्यान दे लिया करो थोड़ी देर, समझे। नीचे ध्यान ना जाने देना, वो ध्यान को यहीं रखना नाक में ही, तो तुम्हारा ध्यान फिर बनने लग जाएगा, फिर इसको छोड़ के फिर ध्यान कर लो, अगर फिर ध्यान भटकता फिर ये कर लो, अगर फिर भी लगता है तो घूम लो, अपना सुमन कर लो, सुमन गहरे रूप से इतना कर ले कि वही ध्यान बन जाए। चिंता ना किया करो कि नहीं बना, कोशिश किया करो बनाने की, सच्चैतन्य।